बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज मैं पकाने लगी ओजरी। ओजरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये है 1 kg ओजरी ले ली है। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल के पानी डाल के इसे मैं चढ़ा दूँगी। 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी, इसे बॉयल आएगा। मैं ये गंदा पानी फेंक दूँगी, इसकी गंदगी सारी आप देखना ऊपर आ जाए। देखें इसकी जो सारी गंदगी है ना, ये ऊपर आ गई है और इसको बॉयल आ गया। अब मैं इसका ये पानी फेंक के दूसरा पानी डाल दूँगी। मैंने इसे पहले से वॉश करके रख लिया था, आपको बताना याद नहीं रहा। पहले से वॉश करके रख लिया था, फिर पानी डाल के मैंने इसे बॉयल कर लिए और इसकी अब ये जो पानी है ये मैं फेंक दूँगी, इसमें दूसरा पानी ऐड कर। अब मैं ओजरी डालने लगी हूँ प्रेशर कुकर में। वो मैंने धो के ले आई थी, वॉश कर ली थी अच्छी तरीके से। 2 गिलास के इसमें पानी ऐड करूँगी। अब आप मसाले देख सकते हैं, 1 अदद मैंने प्याज ले ली है, 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं कटे हुए, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और साबुत वाली हरी मिर्ची है वो रेड हो गई थी वो ले ली है 4 अदद, और ये धनिया कटा हुआ है, ये 1 टीस्पून लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून सूखा पिसा कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी और नमक हसबे जायका, कम और ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं, ये मैंने अपने हिसाब से लिया है, और ये 2 है बड़ी बड़ी इलायची देख सकते हैं आप, और 2 बादियान के फूल, और साबुत ज़ीरा है पिसा हुआ नहीं है मेरे पास, और 1 टीस्पून चाट मसाला है, और 1 टीस्पून काली मिर्ची है। आप देख सकते हैं ये सारे मसाले अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड करूँगी। मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल ऐड करूँ। 1 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसे सीटी लगा दूँगी, इसका ढकना बंद कर दूँगी प्रेशर का, और 10 से 15 मिनट में मेरी ओजरी पक के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, इसे वेट लगा दिया है, 10 से 15 मिनट मैं ये तैयार होकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ओजरी हमारी गल गई है। अब थोड़ा सा हल्का सा शोरबा रह गया है, अब हम इसे कढ़ाई में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, बस इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होएगा और इसकी बुनाई होगी तो ये रेड रेड कलर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने है। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल ऊपर आ गया है और अच्छी तरह से ये पक गई है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, इसे हम डिश आउट कर देंगे। आप देख सकते हैं ओजरी बनके तैयार हो गई है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर